हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 जुलाई 2019 और यह हमारी 194वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किसने AIFF का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सुनील छेत्री। हाल ही में सुनील छेत्री ने AIFF का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये भारत के स्टार फुटबॉलर हैं। AIFF पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें छठवीं बार चुना गया है। दोस्तों, भारत के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा 109 मैच खेले हैं। सुनील छेत्री ने 70 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं, जो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा गोल अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें, ये भारतीय टीम में स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। इनका जन्म तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2007, 2011, 2013, 2014 है और 2017 में ये जीत चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 11 जुलाई। हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। दोस्तों, 11 जुलाई को पूरे विश्व में लोगों के बीच जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस पर लिंग, जाति, भेद, समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ महिलाओं के गर्भधारण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस रूप में मनाने की घोषणा की थी 1989 में। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या है वह 720 करोड़ पहुंच चुकी है, यानी पूरे विश्व में 720 करोड़ जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में किसे नगर विमानन निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अरुण कुमार। हाल ही में अरुण कुमार को नगर विमानन निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति अरुण को नगर विमानन निदेशालय यानी DGCA का महानिदेशक चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें, अरुण कुमार हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अफसर हैं। दोस्तों, ये वर्तमान में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने 31 मई से 9 जुलाई 2019 तक DGCA का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। दोस्तों, अब ये नगर विमानन निदेशालय या DGCA होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें, यह नागरिक विमानन के क्षेत्र में रेगुलेटरी संस्था है। यह सुरक्षा संबंधी मामलों में कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसके क्षेत्रीय मुख्यालय देश भर के विभिन्न जगहों पर स्थित है। दोस्तों, यह केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय से संबंधित है। DGCA नागरिक एयरक्राफ्ट के पंजीकरण, हवाई अड्डों के प्रमाणीकरण और पायलट के लाइसेंसिंग का कार्य करता है और इसी का महानिदेशक अरुण कुमार को हाल ही में बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है राहुल द्रविड़। हाल ही में राहुल द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे राहुल द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया गया है। वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट संबंधी गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वे खिलाड़ियों की मेंटरिंग, कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए भी कार्य करेंगे। दोस्तों,
आपको बता दें, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। द वॉल के नाम से किसे जाना जाता था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो है राहुल द्रविड़। दोस्तों अब आपको बता दें नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बारे में। दोस्तों नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2000 में की गई थी। यह एकेडमी प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थित है। तो इतना आपको इस एकेडमी के बारे में याद रखना है, और इसका प्रमुख हाल ही में राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हिमा दास ने कितने मीटर की श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 200 मीटर की श्रेणी में। हाल ही में हिमा दास ने 200 मीटर की श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों हाल ही में पोलैंड में के क्रुंटू में आयोजित एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की श्रेणी में हिमा दास ने स्वर्ण मेडल जीता है। दोस्तों भारत के वीके बिस्मय ने 20.06 सेकंड में रजत पदक जीता है। दोस्तों आपको हिमा दास के बारे में बता दें, इनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागौर जिलों में हुआ था। दोस्तों इनके पिता पेशे से चावल की खेती करते हैं, और उनकी बेटी आज दुनिया में अपना नाम कर रही है। एशिया खेलों में हिमा दास ने 400 मीटर की फाइनल दौड़ क्वालिफाई करने के लिए 51.00 के समय के बाद अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए थे। इसी के साथ ही दोस्तों इनकी जो जर्नी है वो शुरू हुई, और अभी तक ये हर एक टूर्नामेंट में कोई ना कोई मेडल जीतती आई हैं। तो आपको हिमा दास का नाम याद रखना है, ये भारत की एक बेस्ट एथलेटिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ की किस मिसाइल के 3 परीक्षण किए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नाग। हाल ही में डीआरडीओ ने नाग मिसाइल के 3 परीक्षण किए हैं। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में पोखरण में नाग मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। यह परीक्षण दिन और रात दोनों समय में किए गए हैं। इस दौरान मिसाइल की टेस्ट फायरिंग भी की गई है। इस सफल परीक्षणों के साथ ही नाग एंटी टैंक मिसाइल सेना में शामिल होने के अंतिम चरण में पहुंच गई है। दोस्तों आपको नाग मिसाइल के बारे में बता दें, इस मिसाइल की जो रेंज है वह 3 से 7 किलोमीटर है। दोस्तों यह दिन और रात दोनों परिस्थितियों में दुश्मन के टैंक नष्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों अब बात आई है डीआरडीओ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हिंदी में बोले तो इसका नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और हेड है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये मोटो आपको जरूर याद रखना है, तो इतना डीआरडीओ के बारे में जरूर याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना लागू की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा में केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 का क्रियान्वयन कर दिया है। दोस्तों अब ये गवाह सुरक्षा योजना है क्या, इसके बारे में आपको जरूर बता दें। यह योजना का निर्माण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और 5 कानूनी सेवा प्राधिकरण, पुलिस और 3 उच्च न्यायालयों से इनपुट प्राप्त करने के बाद किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि निष्पक्ष तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। दोस्तों आपको बता दें, खतरे की श्रेणियों को पहचान करना, पुलिस प्रमुख द्वारा खतरा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्ड की गोपनीयता व संरक्षण रखना, गवाह की पहचान की सुरक्षा, पहचान परिवर्तन और गवाह का संरक्षण इत्यादि इस गवाह सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं। दोस्तों अब बात आई है ओडिशा की, तो आपको मैप में ओडिशा के बारे में बता दें। मैप में ये जगह ओडिशा राज्य को दर्शाती है।
उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। और दोस्तों हाल ही में पुरी भी यहीं पर स्थित है जहां पर भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों का सबसे ज्यादा शिकार किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों का शिकार किया गया है। दोस्तों हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा 14 बाघों का शिकार 2017 में मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों देश भर में सबसे ज्यादा बाघों का शिकार मध्य प्रदेश में होता है। बीते 7 साल में 41 बाघों का शिकार किया जा चुका है। दोस्तों बाघों की मौत के मामले में राज्य पहले नंबर पर है। यहाँ 2012 से अब तक 141 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 78 सामान्य है और बाकी बाघों को शिकार किया गया है। दोस्तों शिकार के कुछ और भी कारण हैं, आपको उनके बारे में भी बता दें। तो घनी आबादी होने के कारण, यानी बाघों की घनी आबादी होने के कारण, एक आपसी लड़ाई के कारण भी उनकी मौतें होती हैं। आबादी वाले इलाके में जाने के कारण लोग उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, ये भी बाघों की मौत की एक बड़ी वजह है। तो आपको इन दोनों वजहों के बारे में याद रखना है। और ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश राज्यों जो बाघों के शिकार में सबसे ज्यादा या सबसे अव्वल पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में अभिप्रेरण कार्यक्रम किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर जिले में। सागर जिले में अभिप्रेरण कार्यक्रम किया जाएगा। दोस्तों स्कूल के बाद कॉलेज में कदम रखने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हाल ही में सागर विश्वविद्यालय, जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यहाँ के प्रोफेसर देंगे। और इसी कार्यक्रम को अभिप्रेरण कार्यक्रम नाम दिया गया है। दोस्तों अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। ऊथन सेन द्वारा 1660 में स्थापित किया गया था सागर। दोस्तों प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय है, यह सागर जिले में ही स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो प्रदेश का दूसरा ट्रेनिंग कॉलेज है, यह भी सागर में ही स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना भी सागर में ही की गई है। दोस्तों एरन जो पुरातात्विक स्थल है, यह सबसे सती का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था सबसे पहले। तो आपको याद रखना है एरन सागर जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें आपचंद की गुफाएं भी सागर जिले में ही स्थित है। गढ़पहरा में प्राचीन सागर के नाम से जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स पद्माकर समारोह है, यहीं पर स्थित है। नौरा देवी वन्य जीव अभयारण्य भी सागर जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कब ताप्ती जन्मोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 8 जुलाई को। हाल ही में 8 जुलाई को ताप्ती जन्मोत्सव मनाया गया है। दोस्तों आपको पता है ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह मुल्ताई है, और मुल्ताई में ही हाल ही में ताप्ती जन्मोत्सव मनाया गया है। दोस्तों इस मौके पर 161.1 फीट की जो चुनरी है वह अर्पित की गई है ताप्ती नदी के लिए। तो आपको याद रखना है ताप्ती जन्मोत्सव हाल ही में मनाया गया है 8 जुलाई को मुल्ताई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की पहली सरकारी ग्रीन बिल्डिंग कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल। हाल ही में भोपाल में देश की पहली सरकारी ग्रीन बिल्डिंग बनाई गई है। दोस्तों यह बिल्डिंग 83 करोड़ रुपए में होशंगाबाद रोड पर बनाई गई है। आयकर विभाग ने इसे बनाया है। दोस्तों आयकर विभाग के लिए यह बिल्डिंग बनाई गई है भोपाल में। दोस्तों अब बात आई है भोपाल की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको भोपाल के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दोस्तों झीलों के शहर के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 भोपाल में ही स्थित है। राष्ट्रीय विधि अकेडमी की स्थापना 1984 94 में, यानी 1994 में
भोपाल में ही की गई थी। देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे हम ताजुल मस्जिद के नाम से जानते हैं, यह भोपाल में ही स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता महाविद्यालय भी भोपाल में ही स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में ही स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना भी भोपाल में ही की गई है। भेल कारखाना और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है और प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में ही बनाया गया है। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों मौतें हो गई थी। और इस गैस का नाम आपको याद रखना है, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का प्रेम बल किसने डिजाइन और डेकोरेट किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने हमारे प्रेम बल या संविधान का डिजाइन डेकोरेट किया है। दोस्तों, आपको बता दें ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। दोस्तों, संविधान के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था। संविधान लागू जो हुआ था वह 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और दोस्तों, संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वह हुआ था 26 नवंबर 1949। तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकघर में देश का पहला पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन था विदिशा में। विदिशा में देश का पहला पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।